मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही अपनी पसंद का बिना केमिकल युक्त टेलकम पाउडर रेडी कर सकते हैं अपने लिए बहुत ही इजी तरीके से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और यहाँ मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो संतरे के छिलके होते हैं उसको सुखाकर पीस लिया है, उसका जो पाउडर बना लिया है मैंने यहाँ पर। तो या तो आप संतरे का छिलके पीस करके उसका पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप गुलाब की जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाकर उनका भी पाउडर बनाकर उसका भी पाउडर बना सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल अभी यहाँ पर, मेरे पास गुलाब की पत्तियां सूखी नहीं हैं, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाला पाउडर बनाना बताऊंगी आपको कि कैसे आप, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इस पाउडर को आप कैसे रेडी कर सकते हैं। तो हमने एक चन्नी ली है और इसमें मैं थोड़ा सा जो ये पाउडर पीसा है मैं इसको छानती हूँ इस तरीके से। आपको बारीक पाउडर जी हमने छिलके पीसे थे उनको हम यहाँ पर छान लेंगे, उसका बारीक पाउडर जो रह गया है वो निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको गुलाब का करना है कि गुलाब को जब आप सुखा लेंगे धूप में या छाया में सुखा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। उसको सुखाने के बाद आप उसकी पत्तियों को ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद आप उसको भी इस तरीके से छान लेंगे, या तो किसी कॉटन के बारीक कपड़े में छाने या बारीक चन्नी में छाने। इससे क्या होगा कि जो महीन पाउडर है वही आपको मिलेगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा पाउडर मैंने छाना है, आप देख सकते हैं कितना बारीक महीन पाउडर हमें मिला है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हमने करीब आधा चम्मच जो संतरे का पाउडर है वो लिया है, एक चम्मच मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी लेती हूँ, और इतना ही मैं यहाँ पर आरारोट लेती हूँ। आरारोट जो होता है दोस्तों, ये आपके काफ़ी सारे पाउडर्स को बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो इसका देखिए कितना क्रीमी होता है ये, तो पाउडर बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुलाब की पत्तियों को भी आप इसी तरीके से सेम प्रोसेस से मिक्स करेंगे, और आप देखेंगे कि इस पाउडर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे संतरे के छिलके लिए हैं तो उसकी खुशबू आ रही है। इससे क्या होगा, अब आपको क्या करना है कि इसमें मैंने और अच्छी खुशबू लाने के लिए दो ड्रॉप मैं यहाँ पर गुलाब जल की डालूँगी, केवल दो ड्रॉप डालनी है आपको, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। और आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल की दो बूंदें, सिर्फ और सिर्फ दो ड्रॉप डालनी है आपको। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे केवल और केवल दो ड्रॉप डाल रही हूँ, और आप उसको भी डाल के इस पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अभी जो पाउडर आपका ये रेडी हो चुका है, अब आप देख सकते हैं कि आपका ये पाउडर रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू में आया है, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, क्योंकि इसमें हमने ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जो आपके फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ मैंने जो संतरे का पाउडर मिला है, आप जानते हैं कि वो निखार लाने में हेल्प करता है, और अगर आप गुलाब का पाउडर मिलाते हैं तो गुलाब का जो पाउडर है वो भी आपके फेस के रंगत लाने में बहुत हेल्प करता है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाई है, तो मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो भी ग्लो लाने के साथ साथ जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑयल है उन सबको रिमूव करने में हेल्प करती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाई थी। और अरारोट जो होता है ये काफ़ी सारे टेलकम पाउडर में यूज़ होता है, जो कि आपके पाउडर को सिल्की बनाने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पाउडर बहुत अच्छा रेडी हुआ है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खुशबू भी आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये था घर पर ही आपका टेलकम बॉडी पाउडर बनाने का तरीका, जो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है और केमिकल फ्री है। तो आप इसे बनाएं, अप्लाई करें, लगाएं, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताइए,
और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसे लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें अच्छा लगता है और अच्छा लगता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।